हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ मेहंदीपुर बालाजी। तो मैं अभी चिकन घर आया हूँ, सामान ले रहा हूँ अपने, तो उसके बाद हम निकलते हैं। भैया के साथ जा रहे हैं, तो हम भैया के घर जा रहे हैं अभी। दोस्तों मैं भैया के घर तो आ गया हूँ, लेकिन कोई कुछ लग नहीं रहा, कोई उठा भी है नहीं, उठा है शांत पड़ा है सारा। ओ न्यू टेक्नोलॉजी, मंदिर। तो हम अभी वेट करेंगे थोड़ा उनका आने का, उसके बाद हम चलेंगे मेहंदीपुर बालाजी। अभी तो जब भाई सुबह 6:15 की चिकन जी चेतन जी पियेंगे हमारे, चेतन कह रहे चिकन जी पियेंगे। बहुत ठंड पड़ेगी यशपाल, आप अपना गाड़ी में ध्यान रखना। मैं ध्यान रखा, मुझे कोई डाउट हुआ तो मैं तुम्हें पकड़ूंगा। चेतन तैयार हो? बस है, तैयार गाड़ी चलाने के लिए। गाड़ी चलाएगा, इतनी गाड़ी चला देगा, इतनी गाड़ी चला देगा। राजस्थान से आके मत ले जाइए। हमारे ड्राइवर साहब ने दे दिया हमको धोखा, और हम खुद चला के देख रहे हैं। पहले 4 घंटे ये चलाएगा, फिर मैं चलाऊँगा, फिर बढ़िया चलाएंगे। अभी ठीक है, आपको लिख देते थे बिल्कुल। चलो भैया अब हम निकल रहे हैं। तो गाइस अभी ना हम CNG भरवाने के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पर। CNG ख़त्म हो गई थी हमारी, तो बस थोड़ी सी दूर और है। अभी हम नाश्ते चाय के लिए रुकेंगे, उसके बाद हम जाएंगे मेहंदीपुर बालाजी। अभी देखो चेतन साहब CNG भरवा रहे हैं हमारे। चेतन अत्तू चलाया गाड़ी, अत्तू गाड़ी चलाएगा, ठीक है। हेलो गाइस, तो हम आ चुके हैं भरतपुर। भरतपुर की सीमा में आ चुके हैं। भरतपुर में अब हम एंटर कर गए राजस्थान में, यूपी से। दिल्ली से जब मेहंदीपुर जी जाते हैं, 4 स्टेट पड़ती है, दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान। अब हम राजस्थान में एंटर कर चुके हैं। दिखा दे भाई भरतपुर का, ये रास्ता भरतपुर शुरू हो जाता है मेहंदीपुर वाले जाने के लिए। अब भरतपुर का रास्ता है, अब अंदर अंदर से हम जाएंगे, फिर मेन रोड राजस्थान पे आएंगे। गाइस ये ना भरतपुर रोड पे अंजलि अरोड़ा के नाम से। ओए कच्चा बादाम, कच्चा कच्चा बादाम, चखने में पापा खाते कच्चा बादाम, बॉबी लेके आता फ्रॉम द दुकान कच्चा बादाम। ओए ओए सॉरी सॉरी सॉरी, अंजलि रेस्टोर के नाम से है। तो देखो भाई कितना बढ़िया बना रखा है जगह, देखो स्विमिंग पूल बच्चों के खेलने के लिए, देखो भाई मस्त एकदम। भाई चाय भाई तो पी लिया, अब हम निकल रहे हैं बालाजी के लिए। बस अभी है अभी 2-3 घंटे का रास्ता और है, उसके बाद दिखाऊंगा आपको श्री बालाजी। पानी जो है ना इसमें रख ले ठंडा, इसमें हाँ। अभी हम आए धर्मशाला में, यहाँ पर हम ज़रा नहाएंगे, उसके बाद हम निकलेंगे। ये देखो गर्मी हो रही है भयंकर एकदम, बहुत बुरी गर्मी है। पानी निकालना है, पानी निकाल भाई, गर्मी मेरा तो मन नहीं कर रहा। और शुक्र है यहाँ पर एसी रूम मिला है हमें। तो अभी हम जा रहे हैं धर्मशाला के अंदर, तो देखते हैं क्या मिलता है धर्मशाला। सब देख लो, लू चल रही है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, बहुत लू चल रही है ना, टेम्परेचर हो रहा होगा 45 है ना। भाई ऐसा लग रहा किसी ने हमारे किसी ने हमें पीछे से वो आग लगा रखी थी, चल सजा दे रखी है भट्टी के पास खड़ा कर रखा है।
हम इंशाल्लाह अभी रूम में जा रहे हैं, दो नंबर गेट, दो नंबर कमरा, कमरा नंबर दो। साफ सुथरी है, साफ है बिल्कुल, बढ़िया है। जा रहा है बाहर, कहाँ जा रहा है? घर पे बता दूँ भाई। क्या बता रहा है घर पे? कहाँ पहुँच गए हैं? धर्मशाला। अच्छा, अब क्या करेंगे? नहाएगा तो गए हैं, नहाएंगे यार। मैं भी बता देता हूँ यार, घर पे पहुँच गए हैं, घर पहुँच गए हैं, धर्मशाला पहुँच गए हैं। और गर्मी बहुत हो रही है भाई साहब, गर्मी ऐसा लग रहा है कि जैसे सीएनजी की भट्टी यहाँ पे छोड़ दी हो और चलता नहीं, इसमें दिख रहा है। एसी हमने चला लिया है, देखते हैं एसी करो, देर पर जाना पड़ेगा। राजा बाबू तैयार हो गया। राजा बाबू, चलो गाइस अभी मंदिर जाएंगे, दिखाएंगे आपको मंदिर, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। मैं भी फर्स्ट टाइम ही आया हूँ, क्योंकि भैया को मैं बार बार कहता था, भैया जब जाओगे तो मुझे ले चलना, तो भैया आज आया तो मैं फाइनली मंदिर आ गया बालाजी। फर्स्ट टाइम मुझे आना था यहाँ पर, मन था मेरा बहुत आने का, तो मुझे तो ये भैया लाए, दिखाऊंगा। तो अब अगर हम जल्दी फ्री हो गए तो हम बाकी बिहारी भी जाएंगे, अगर फ्री हो गए तो भगवान के दर्शन लो, इससे ये भगवान के दर्शन हुए। और जैसे आज इसको एंड वक्त पे प्लान बना, तो क्या पता देखते हैं। मैंने मतलब बाकी बिहारी के दर्शन, मतलब मैं नहीं यही बोल रहा है कि जो एंड वक्त का प्रोग्राम बना तो उसके बाद बस फाइनली गर्मी बहुत है। आज बाबा ने दर्शन दिए हैं, 50 डिग्री टेम्परेचर, गर्मी बहुत है, बाबा ने दर्शन दिए हैं। बस बाबा ऐसे दर्शन दो, ऐसी कृपा बनाए रखें। हम लोग बालाजी महाराज की जय। बाय, मैं जाने जा रहा हूँ। तो हम निकल रहे हैं दर्शन के लिए तीनों। गर्मी हो रही है बहुत यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन कोई बात नहीं। सही है, नहा लिए चेतन है? चेतन कौन? मैं तो ना गया, तू ना के नहीं क्या है? तो देखो पहाड़ पूरा, मंदिर का रास्ता है, ये मंदिर जा रहे हैं। और मंदिर के गेट पे पहुँच के द्वार दर्शन कराएंगे तुम्हें। लाइन लंबी लगी हुई है, आप देख सकते हो। देखो ये देखो, पूरी पूरी भीड़ है। अंकल बता रहे हैं कि 11:30 से 12 बजे तक भोग लगता है, सुबह लाइन बहुत लंबी लग जाती है, तो अब हमें 12 बजे तक रुकना पड़ेगा, उसके बाद लाइन चलेगी आगे। तो आप देख सकते हैं भीड़ कितनी पीछे हो रही है, जो भी मेहंदीपुर बालाजी आ रहा है, पसीने पसीने में हम सारे के सारे। श्री राम, लाइन चल चुकी है, अब हम अभी अंदर जा रहे हैं। जय श्री राम, जय मंदिर के अंदर है श्री बालाजी महाराज जी का। गाइस हमने दर्शन कर लिए हैं, क्योंकि अंदर का मैं दिखा नहीं सकता और ना पीछे का दिखा सकता, क्योंकि बोलते हैं कि पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, तो मैं आपको आगे का दिखा रहा हूँ कि मंदिर के बाहर का है। पर गाइस हमारे बहुत पैर चल रहे हैं इस टाइम, क्योंकि धूप बहुत है। सही होगा, हम अपने वापस होटल के लिए जा रहे हैं। देखो बंदर देखता राम मंदिर आए, जो कि सामने भैरव बाबा मंदिर के सामने है। मैं दर्शन कर लिए हैं, पर बता नहीं सकते हम, हमारे पैर इस टाइम क्या हालत कर रहे हैं, मतलब पैर जले पड़े हैं, जल गए, जले पूरी हालत, जले पड़े हैं। अब जाके हमें चप्पल मिली है, कोई इतना देख सकता अब कुछ नहीं। ये धर्मशाला है, तो इसमें हम आए हैं, तो बहुत साफ सुथरी और बहुत ही मंदिर के पास है। देखो यहाँ गाड़ी खड़ी करने की भी जगह है अपनी, बिल्कुल। तो मैं अभी बाहर से कोक लेने गया था, थोड़ा ठंडा हो जाए ना, ऐसे भंडारा चलता है, अगर जिसको खाना है वो खा सकता है, जिसको नहीं खाना वो अपने कमरे में जाके बैठ सकता है।
ऐसे एक भंडारा होता है। हमारे चेतन जी बैठे हैं। चलो कोई नहीं ठीक, पापा कहाँ हैं? चलो कोई नहीं, आ जाऊँगा शाम को आके, ठीक है। चेतन बैठे हैं मस्त एकदम, ठीक है। अरे एसी नहीं चल रहा हमारा, तो एसी खराब हो गया यार, पता नहीं क्या हो गया एसी में, एसी नहीं चल रहा यार भाई, हालत हो गई खराब है एकदम, बहुत ज़्यादा। पर दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं चेतन, दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। बस पैर भाई, मतलब क्या बताए, पैर हो गए जो हालत हुई है गर्मी में, मतलब ऐसा लगता है किसी अंगारे, किसी ने ना अंगारे से ऊपर, अंगारों से ऊपर क्या होता है, भक्तों को आया था एकदम, बहुत मैं तो बहुत तेज होता था। पैर डाल लेता हूँ ज़रा पानी में, उसके बाद देखा जाएगा। जितना मन कर रहा था खा ले यार, खिड़की से मत झाँक के, जी पेट में दर्द हो जाएगा। अच्छा सुन रहा है, बढ़िया ना एकदम, चेतन ने खाई है भाई 10 पूरी, रिकॉर्ड तोड़ दिया चेतन ने, गर्मी में भी 2 कोल्ड बोतल कोल्ड ड्रिंक, 3 दो तो मैंने अकेले पिया है, 3 ली थी, दो तो हाँ दोस्त ने पिए, एक में मैंने और भैया ने पिए भाई, गर्मी बहुत थी मजा आ गया। अब हम जाएंगे, अब हम थोड़ा वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम जाएंगे वृंदावन, क्योंकि वृंदावन 5 बजे खुलता है मंदिर, तो हम 5 बजे यहाँ से निकलेंगे मार्केट एंड के बाद, तो हम 5 बजे वहाँ पहुँच के दर्शन करके वहाँ का भी दिखाऊंगा मैं आपको क्या क्या नहीं है। फिर अभी थोड़ा हो गया, थोड़े पैर वैर ठीक कर लेते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत कुछ बढ़िया बढ़िया एकदम, कि रोड पहले बोलते थे कि रोड बेकार है, पर अगर भगवान दर्शन देगा तो थोड़ा सा दुख झेलने पड़ेंगे, हाँ तपती गर्मी के अंदर जो भगवान ने दर्शन दिए, इसी में गए थे ना दर्शन के लिए बढ़िया, उसके बाद जो हम बाहर निकले और जो पैर भागे है ना, बस रनिंग करी है रनिंग कि अंगारों में खड़ गया और चलो जो पार करते हैं पार का ऐसे, और बीच बीच में कुछ गली जी आएगी लिए हो तो उस पर खड़े हो जाते हैं, फिर भागे, फिर कुछ हो शानु जो है भगता हुआ जा रहा था, वो फिर पड़ा जिसके कारण उसके पैर में चोट लग गई हल्की फुल्की, ज़्यादा नहीं पर ठीक है, चलेगा बाबा ने बुलाया था। अब हम वृंदावन भी जाएंगे, वहाँ कभी दिखाएंगे हम, बस बाबा की ओर मनोकामना पूरी करें। हाँ तो गाइस अब हम बाके बिहारी मंदिर जा रहे हैं, टाइम 2 बज गए हैं, तो हम 2 घंटे लगेंगे हमें कम से कम 2-2.5 घंटे पहुंचने के लिए, तो हम बाके बिहारी मंदिर जा रहे हैं। अब मैं आपको वहाँ मिलता हूँ, बाके बिहारी के दर्शन कराता हूँ। भैया हम अभी ना फ्रूट चाट खाने के लिए रुके हुए हैं, ये भी जब भरतपुर पार करने होते हैं तो साइड में खड़े रहते हैं फ्रूट चाट वाले, सबसे मसाले से लेते हैं मसाले से लेते हैं, यूँ कहेंगे मेरा कम वाला चाट तैयार हो गई है, कैसी चेतन? एक नंबर है, बढ़िया भाई एकदम, ये मसाला वाकई में बढ़िया है, जियो की सिम तो आती थी, जियो का पेट्रोल पंप देख लो ये रहा, ये भरतपुर में मेहंदीपुर बालाजी जाते समय फर्स्ट टाइम पहली बार देखा जियो का, तो चल चल मनाली, अब आ गए हैं हम वृंदावन, ये देखो एंट्री कर मेरो वृंदावन, अब आ गए बिहारी लाल की जय।
चार कचौड़ी छह कैनरा बैंक फेमस हो रहा है इधर यहाँ पे है वो राम बहु पराठे वाला यहाँ ब्रांच जी बाकी बिहारी लाल जी के मंदिर आ गए हैं लेकिन यहाँ पे हमें सिक्योरिटी से बचना पड़ेगा क्योंकि बहुत तगड़ी सिक्योरिटी है यहाँ पे बंदरों की सिक्योरिटी है जेट प्लस सिक्योरिटी और बाकी तरफ जा रहे हैं प्रसाद लेके निकलेंगे हम यहाँ पर अभी प्रसाद लेने हैं पेड़े ये गोपाल जी पेड़े वाले हैं तो हम यहाँ से प्रसाद लेंगे पेड़े का फिर अंदर सामने जाएंगे हम बाकी बिहारी जी अंदर है बाकी बिहारी लाल की जय अच्छे यार दोनों जगह हमारे मेहंदीपुर बालाजी के भी और अपने बाके बिहारी जी की भी बहुत अच्छे मतलब इस टाइम तो बाके बिहारी जी बिल्कुल बाहर आए हुए हैं पहले अंदर होते हैं ना तो आज बिल्कुल बाहर आए हुए हैं बागी साइड विराजमान है तो मज़ा आ गया बिल्कुल दर्शन करके एकदम और हाँ मेहंदीपुर बालाजी मैंने बताया था कि 11:30 से 12 बजे तक बंद रहता है और दूसरा कि धूप बहुत थी तो पैर हमारे बिल्कुल जले एकदम अभी भी छाले पड़े हुए हैं मेरे पैर में तो आओ तो कभी ठंड में आओ इतनी गर्मी में मत आओ मेरा यही कहना बाकी अब घर जा रहे हैं घर जाके करते हैं अपना रेस्ट जो भी है सो गाइस फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आज दर्शन भी बहुत अच्छे हुए दोनों के मेहंदीपुर बालाजी के भी और बाकी बिहारी जी के भी बाकी बिहारी जी बिल्कुल बाहर ही आए हुए थे तो बहुत अच्छा लगा और अभी तो मैं घर आ चुका हूँ लेकिन घर पे लगा हुआ ताला मम्मी और पापा गए हुए नानी के घर जब वो आएंगे जब मैं घर में घुसूँगा आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे ब्लॉग को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें मिलता हूँ अगले ब्लॉग के साथ जब तक के लिए बाय।